ये देख सकते हैं आप, मड़ुआ रोटी जो झारखंड का पारंपरिक व्यंजन है और बहुत ही खूबसूरत, सुंदर, बहुत टेस्टी। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत दिख रहा। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बारीकी से जानते हैं कि मड़ुआ रोटी क्या होता है और इसको कैसे बनाया जाता है। तो आज हम लोग जुरा सर से पूछते हैं कि मड़ुआ रोटी का क्या विधि है, कैसे बनाया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है। हाँ जुरा सर, बताइए थोड़ा मड़ुआ रोटी के बारे में। सबसे पहले सबको जोहार। हाँ जोहार। ये मड़ुआ रोटी झारखंड का सबसे पौष्टिक आहार में से है और इसको बनाने में सबसे पहले तो मड़ुआ को बढ़िया से साफ किया जाता है। उसमें जितने भी कंकड़ पत्थर है वो सबको साफ करके धो करके सुखाना होता है। बढ़िया से सूखने के बाद इसको पिसवाना होता है। पिसवाने के बाद हल्का गर्म पानी से इसको सानना है। अच्छा। इसमें चीनी चाहे गुड़ चाहे तो नमक से भी आप बना सकते हैं। अच्छा अच्छा। और इसको सान करके आपका इसको बनाने का अलग अलग तरीका हो सकता है। कोई डुम्बू भी बनाता है जिसको कि गरम भापल भापल भाप में इसको चढ़ा करके भी पकाया जा सकता है। अच्छा। और इसको अभी जो यहाँ पर ताई में बना हुआ मड़ुआ रोटी तवा जिसमें छिलका बनता है, छिलका रोटी जो अच्छा, अच्छा, तवा में बनता है। अभी तो तरह तरह का आधुनिक युग में बनाने का जो तो ये मिट्टी वाला बर्तन नहीं बना सकते इसको? नहीं, इसको मिट्टी बर्तन में सबसे बेस्ट होगा। मिट्टी का तो तवा नहीं मिलता फिर तो कहाँ ही भी इस्तेमाल करना होगा। नहीं, आज गांव में ये इसको पकाने के लिए स्पेशल ताई हुआ होता है जिसमें खपरा पीठा बनता है। खपरा पीठा जो बनता है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसी में बनाने से इसका जो अंदर से जो क्या बोलेंगे मुलायम पान, हाँ क्योंकि ताई में बनाएगा तो टाइट हो जाएगा। हाँ। इसको देख लीजिएगा यहाँ मधु का जो छत है। हाँ। उस टाइप से अंदर से खोखला है। अच्छा। इसमें रस घुसा हुआ है। हाँ। दूध बनाएगा तो दूध घुस जाएगा। दूध से बनाएगा तो दूध घुस जाएगा। तो पहले जमाने में, हाँ। अभी तो बहुत कम दिखने को मिलता है। पहले जमाने में ये एक रोटी अगर आप खा गए तो दिन भर आपको भूख नहीं लगेगा, खाली पानी पीना पड़ेगा। अच्छा। और इसमें इतना गुण है कि आप किसी प्रकार का बीमारी से भी मुक्त हो सकते हैं। अच्छा अच्छा। इसीलिए इसको मड़ुआ रोटी कहा जाता है। वाह। तो इसका जो गुड़ी तैयार किया जाता है, मतलब चावल का जो गुड़ी तैयार किया जाता है उसी प्रोसेस से किया जाता है क्या? आप इसको गांव देहात में तो जानता होता है, लेकिन कूट के उसको निकाला जाता है। पहले ठीकी से कूट करके उसको साफ किया। बस बस बस। साफ करने के बाद आप इसको जांता जो होता है, हाँ, पत्थर का जांता, जांता से उसमें आप लेकर के इसका घूरा बनाइए। अच्छा अच्छा। घूरा किया उसके बाद, हाँ, आटा बन गया। आटा बनने के बाद आप हल्का गर्म पानी से गुड़ या चीनी मिला करके इसको सान दिए। अच्छा। सानने के बाद तावा को गर्म किया, तावा में हल्का तेल लगा लीजिए ताकि उसमें लटके नहीं। अच्छा अच्छा। नहीं लटकेगा और आप इसको इस हिसाब से आप डालते जाइए। अच्छा अच्छा। ये है इसका प्रोसेस है। मतलब खाने में बहुत स्वादिष्ट है, खाने में पौष्टिक भी है, पौष्टिक भी है, स्वादिष्ट भी है। हाँ। और इसको आप खाने के बाद, हाँ, दिन भर आप भूख नहीं लगेगा, भूख नहीं लगेगा, पेट भरा रहा है, खाना खाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। वाह, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। आप देख सकते हैं दर्शकों, इतना अच्छा मड़ुआ रोटी। ये झारखंड का पारंपरिक व्यंजन है, आप देख सकते हैं मड़ुआ रोटी। तो आज यहीं तक जानकारी देते हैं, अगला कुछ भी ट्रेडिशन आएगा व्यंजन तो आपको फिर से बताऊंगा। उसके लिए नमस्कार सबों को।